वेलकम टू ऑल इन अवर यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है मेजर स्कूल्स ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी, मीन्स साइकोलॉजी को समझने के लिए कौन कौन से डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव्स के व्यू से उन्हें देखा गया। तो मेजरली इनको 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनिज्म, साइको एनालिसिस या इसे ही साइको एनालिटिक बोला जाता है, बिहेवियरिज्म, ह्यूमेनिज्म एंड कॉग्निटिविज्म एंड गेस्टलॉट। तो स्ट्रक्चरल जो है इनके फाउंडर थे विल्हेम वर्ट्ज़, और इन्होंने ही साइकोलॉजी की फर्स्ट लेबोरेटरी जो लिप्सिम जर्मनी में 1879 में स्टेब्लिश की थी, इन्होंने ही की थी। ये स्ट्रक्चरलिज्म को सपोर्ट करते थे, इनका प्रोस्पेक्टिव जो था वो स्ट्रक्चरलिज्म की तरफ था। देन फंक्शनलिज्म जो थे विलियम जेम्स को इसका फाउंडर कहा जाता है, और विलियम जेम्स को ही अमेरिकन साइकोलॉजी का फादर भी कहा गया है। सिगमंड फ्राइड को फाउंडर कहा गया है साइको एनालिटिक का, जिन्होंने पर्सनैलिटी की थ्योरी दी थी। बिहेवियरिज्म जॉन वाटसन जो हैं बिहेवियरिज्म के फादर कहे जाते हैं। ह्यूमनिज्म अब्राहम मैस्लोब जो हैं ह्यूमनिज्म के फादर कहे जाते हैं। कॉग्निटिविज्म एंड गेस्टलॉट, और गेस्टलॉट जो थे वो रैशनलिज्म को सपोर्ट करते थे। कॉग्निटिविज्म जो है इनके फादर नेसर्स को कहा जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।